एवरीबॉडी, चलिए आज का टॉपिक हमारा होगा लाभ और हानि। लाभ और हानि टॉपिक का बहुत ही प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्व है। हम देखेंगे इस टॉपिक को आपको ज़्यादा से ज़्यादा सरल बनाने की कोशिश करेंगे। आप साथ में बने रहिए। मैथ्स बाई महेंद्र सिंह पाल यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिएगा चैप्टर का नाम होगा लाभ हानि। लाभ और हानि इंग्लिश में इसे कहा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट और लॉस। सबसे पहले हम आपको बता दें इसमें इस अध्याय को पढ़ने के लिए हमें 5 अवयवों की आवश्यकता होती है। इस अध्याय को पढ़ने के लिए हमें 5 अवयवों की आवश्यकता होती है। देखिए वो कौन कौन से अवयव हैं। नंबर 1 होगा किराए मूल्य। नंबर 2 पे होगा विक्रय मूल्य। नंबर 3 पे होगा लाभ। नंबर 4 पे होगा हानि। और नंबर 5 पे होगा ऊपरी व्यय, या इसी को कहते हैं ऊपरी खर्च। लाभ हानि अध्याय को पढ़ने के लिए हमें 5 अवयवों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले क्रय मूल, नंबर 2 पे विक्रय मूल, नंबर 3 पे लाभ, नंबर 4 पे हानि, नंबर 5 उपरव्यय। इन 5 टॉपिक के बारे में हमें जानना होगा और पूरा का पूरा चैप्टर हमारे लिए सरल हो जाएगा। ये एकदम न्यू है, आधार है। सबसे पहले हम देखेंगे इनके बारे में चर्चा करते हैं। तो पहला हेडिंग होगा किराए मूल्य। किराए मूल्य को कहा जाता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस, किराए मूल्य कॉस्ट प्राइस, ठीक। किताबों में हम लोग देखेंगे जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, वह वस्तु का किराए मूल्य कहलाता है। वह वस्तु का किराए मूल्य कहलाता है। जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है वह वस्तु का किराए मूल्य कहलाता है। इसे हम कैपिटल सीपी से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम कैपिटल सीपी से प्रदर्शित करते हैं। ये देखो, इसे आप याद रखिएगा। जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है वह वस्तु का क्रय मूल्य कहलाता है। इसे हम कैपिटल सीपी से प्रदर्शित करते हैं। कभी कभी अन्य किताबों में इस क्रय मूल्य को कभी कभी क्रय मूल्य को लागत मूल्य भी कहा जाता है। लागत मूल्य भी कहा जाता है। लागत मूल क्या होता है? किसी वस्तु के निर्माण में जो खर्च आता है वह वस्तु का लागत मूल कहलाता है। चलिए द्वितीय हेडिंग पर हम आते हैं विक्रय मूल। विक्रय मूल को कहा जाता है इंग्लिश में सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस का क्या डेफिनेशन होगा? जिस मूल्य पर कोई वस्तु, जिस मूल्य पर कोई वस्तु, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है, बेची जाती है, वह वस्तु का विक्रय मूल्य कहलाता है। वह वस्तु का विक्रय मूल्य कहलाता है। इसे हम कैपिटल एसपी से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम कैपिटल एसपी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है वह वस्तु का विक्रय मूल्य कहलाता है। इसे हम कैपिटल एसपी से
प्रदर्शित करते हैं। तीसरी हेडिंग पे हम आते हैं लाभ। लाभ को कहा जाता है इंग्लिश में प्रॉफिट। दैनिक जीवन की बोलचाल भाषा में हम इसे बेनिफिट भी कहते हैं, प्रॉफिट। देखो, कम दामों में खरीदी गई वस्तु, कम दामों में खरीदी गई वस्तु यदि ज्यादा दामों में बेच दी जाए तो ऐसी स्थिति में हमें हमेशा लाभ होगा। कम दामों में खरीदी गई वस्तु, तो देखिए, कम दामों में खरीदी गई वस्तु ज्यादा दामों में बेच दी जाए, इसका मतलब है कॉस्ट प्राइस इज लेस देन सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कम होगा, सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा, तो इस स्थिति में हमें हमेशा लाभ होगा। कम दामों में खरीदी गई वस्तु को यदि ज्यादा दामों में बेच दी जाए तो ऐसी स्थिति में हमें हमेशा लाभ होगा, और लाभ को हम हमेशा कैपिटल पी से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल पी से प्रदर्शित करते हैं। अगली हेडिंग हमारी हो जाएगी हानि। हानि के बारे में हम जानेंगे। हानि को कहा जाता है अंग्रेजी में लॉस। लॉस, अधिक दामों में खरीदी गई वस्तु कम दामों में बेच दी जाए, अधिक दामों में खरीदी गई वस्तु को यदि कम दामों में बेच दिया जाए तो ऐसी स्थिति में हमें हमेशा हानि होगी। हम कह सकते हैं अर्थात सेलिंग प्राइस अर्थात कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस हमारा ज्यादा होगा और सेलिंग प्राइस कम होगा, तो इस स्थिति में हमें हमेशा हानि होगी, और हानि को हम हमेशा कैपिटल एल से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एल से प्रदर्शित करते हैं। क्या समझे आप? देखिए, अधिक दामों में खरीदी गई वस्तु को कम दामों में बेच दिया जाए तो ऐसी स्थिति में हमें हमेशा हानि होगी, और इसे हम कैपिटल एल से प्रदर्शित करते हैं। अगली हेडिंग है हमारी, लास्ट हेडिंग है, इसका नाम होता है ऊपरी व्यय। ऊपरी व्यय का संधि विच्छेद हिंदी में खुद हो रहा है कि ऊपरी व्यय अर्थात ऊपरी खर्च। ऊपर व्यय को अंग्रेजी में कहा जाता है ओवरहेड चार्ज, ओवरहेड चार्ज, ओवरहेड चार्ज। इसकी परिभाषा को हम सुनेंगे। ऊपर व्यय का मतलब होता है जब किसी माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने या ले आने में किसी वाहन का किराया या किसी टूटी हुई वस्तु की मरम्मत कराने में जो ऊपरी खर्च आता है वह ऊपर व्यय कहलाता है। जब तक प्रश्न में इसका उल्लेख ना हो तब तक हम इस पर कोई चर्चा नहीं करते हैं। तो मेन रूप से लाभ हानि चैप्टर को पढ़ने के लिए हमारे चार खम्भों की आवश्यकता हुई है, जिनका नाम है क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ और हानि। ठीक है, क्रय मूल्य वह मूल्य जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है वह वस्तु का क्रय मूल्य कहलाता है, इसे हम सीपी से प्रदर्शित करते हैं। कभी कभी कुछ किताब वाले क्रय मूल्य का नाम लागत मूल्य भी कहा जाता है। विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है वह वस्तु का विक्रय मूल्य कहलाता है, इसे हम कैपिटल एसपी से प्रदर्शित करते हैं। लाभ, कम दामों में खरीदी गई वस्तु यदि ज्यादा दामों में बेच दी जाए तो ऐसी स्थिति में हमें हमेशा लाभ होगा, हम लाभ को हमेशा कैपिटल पी से प्रदर्शित करेंगे। हानि, हानि को हम अंग्रेजी में लॉस कहते हैं। कम दामों में, अधिक दामों में खरीदी गई वस्तु यदि कम दामों में बेच दी जाए तो इस स्थिति में हमें हमेशा हानि होगी, इसे हम कैपिटल एल से प्रदर्शित करते हैं। ऊपर व्यय का जब तक प्रश्न में उल्लेख ना हो तब तक हम इस पर कोई चर्चा नहीं करते हैं। ठीक है, अब हम जानकारी करते हैं प्रमुख सूत्रों के बारे में। प्रमुख सूत्र, प्रमुख सूत्र हम आपको दो तरीके से दे देते हैं। यहां पर हो गया प्रमुख सूत्र और यहां पर हम लिख देते हैं इंपोर्टेंट फार्मूला। ठीक है, देखिए, अभी अभी बताया पहला एक सूत्र होता है, यदि हमें लाभ बराबर निकालना है तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य। अगर हमें हानि बराबर निकालना है तो हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस का
विक्रय मूल्य। यदि हमें प्रतिशत लाभ बराबर निकालना है तो होता है लाभ गुणित का 100 बटा क्रय मूल्य। यदि हमें प्रतिशत हानि बराबर निकालना है तो प्रतिशत हानि बराबर होता है हानि गुणित का 100 बटा क्रय मूल्य। एक और बनता है पांचवा सूत्र, यहाँ पर देखेंगे हम लोग, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य। कोष्टक के अंदर होगा 100 प्लस माइनस का लाभ ऑब्लिक का हानि बटा 100, जहां पर लाभ कह दिया जाए तो प्लस चिन्ह लेंगे और हानि कह दिया जाए तो माइनस चिन्ह। लाभ कह दिया जाए तो प्लस चिन्ह लेंगे और हानि कह दिया जाए तो माइनस चिन्ह, ठीक है। लाभ बराबर विक्रय मूल माइनस का क्रय मूल, लाभ बराबर विक्रय मूल माइनस का क्रय मूल, हानि बराबर क्रय मूल माइनस का विक्रय मूल, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल, प्रतिशत हानि बराबर हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल, विक्रय मूल बराबर क्रय मूल 100 प्लस माइनस लाभ हानि ऑब्लिक लगा करके बटे 100, और जहां पर लाभ कह दिया जाए तो प्लस चिन्ह का प्रयोग करेंगे और हानि कह दिया जाए तो माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अब इसी को देखो, इंपॉर्टेंट फार्मूले का मतलब है, हम इसको इंग्लिश वर्जन में लिखते हैं तो आप समझेंगे। पहले का हिंदी रूपांतरण से इंग्लिश में हो जाएगा पी बराबर का एस पी माइनस का सी पी, अभी अभी हमने आपको इसका संकेत लिखाया। दूसरा हमारा हो जाएगा हानि बराबर कॉस्ट प्राइस माइनस का सेलिंग प्राइस, और तीसरा हो जाएगा प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणित का 100 बटे सी पी, अर्थात पी बराबर का पी गुणे 100 बटा सी पी। चौथा सूत्र हमारा हो जाएगा परसेंटेज एल बराबर एल गुणित का 100 बटा सी पी। पांचवा सूत्र का रूपांतरण हो जाएगा सेलिंग प्राइस बराबर का कॉस्ट प्राइस 100 प्लस माइनस का प्रॉफिट एंड लॉस बटा 100। फिर यहाँ पर लिखेंगे जहां पर अगर क्वेश्चन में लाभ कह दिया जाए तो कौन सा चिन्ह प्रयोग करेंगे, प्लस चिन्ह, और अगर हानि कह दी जाए तो माइनस चिन्ह, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं, पी बराबर अर्थात लाभ बराबर एस पी माइनस सी पी, एल बराबर सी पी माइनस एस पी, परसेंटेज लाभ बराबर पी गुणे 100 बटे सी पी, प्रतिशत एल बराबर एल गुणे 100 बटा सी पी, सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस 100 प्लस माइनस पी ऑब्लिक एल बटे 100, जहां पर अगर लाभ कह दिया जाए तो प्लस चिन्ह का प्रयोग करेंगे और हानि कह दिया जाए तो माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। पूरे चैप्टर को पढ़ने के लिए ये दो बातें हमें याद रखना होगा, क्या क्या हमें याद रखना है ये भी ध्यान से सुनिएगा और फिर हमारे साथ बने रहिएगा, और वीडियो को अंत तक जरूर देखें और साथ बने रहें। इसके बाद अब हम आपको बताते हैं, यहाँ पर दो बातें आप देखिएगा, प्रतिशत लाभ या हानि, चाहे प्रतिशत लाभ कहे चाहे प्रतिशत हानि, इनकी गणना हमेशा क्रय मूल्य पर ही की जाती है। हम आपको दो महत्वपूर्ण नोट लिखाते हैं, अभी देखेंगे। इधर पहला नोट हम आपको यहाँ से देते हैं, प्रतिशत लाभ या हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर की जाती है। प्रतिशत लाभ या हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर की जाती है। इस बात को आपको पूरा चैप्टर अगर कवर करना है तो आपको इसको रटना होगा कि कभी भी प्रतिशत लाभ या हानि का नाम आ जाए, ये निकालना है, तो इनकी गणना हमेशा क्रय मूल्य पर की जाती है। और यहां पर दूसरी बात देखेंगे, इस अध्याय को पढ़ने के लिए अर्थात लाभ हानि को पढ़ने के लिए हम एमएस रूल के मुताबिक
हम एमएस रूल के मुताबिक किराया मूल्य हमेशा 100% मानेंगे। इस अध्याय को पढ़ने के लिए हम एमएस रूल के मुताबिक किराया मूल्य हमेशा 100% मानेंगे। यदि प्रश्न में लाभ कह दिया जाए, यदि प्रश्न में लाभ कह दिया जाए तो हम मन ही मन में 100 पर बढ़ जाएंगे। अर्थात उस मान को 100 में जोड़ देंगे। यदि प्रश्न में हानि कह दिया जाए तो हम मन ही मन में 100 से घट जाएंगे। अर्थात उस मान को 100 से घटा देंगे। पूरे चैप्टर को पढ़ने के लिए दो बातें याद रखिएगा, 3-4, कि प्रतिशत लाभ या हानि की गणना हमेशा जब भी आपको करनी होगी तो बटे में हमेशा क्रय मूल्य आएगा, अर्थात प्रतिशत लाभ या हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर की जाती है। इस अध्याय को पढ़ने के लिए हम एमएस रूल के मुताबिक क्रय मूल्य हमेशा 100% मानेंगे। यदि प्रश्न में लाभ कह दिया जाए तो हम मन ही मन में 100 पर बढ़ जाएंगे, अर्थात उस मान को 100 में जोड़ देंगे। यदि प्रश्न में हानि कह दिया जाए तो हम मन ही मन में 100 से घट जाएंगे, अर्थात उस मान को 100 से घटा देंगे। इन बातों को एकदम इसी सिद्धांत से याद रखिएगा, जैसे हम आपको बता रहे हैं वैसे ही आप मेमोराइज करिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि यहाँ से कितने तरह के सवाल हम आप लोगों के बीच में पढ़ेंगे। आप लोग पेन और कॉपी लेकर के हाथ में रहिएगा और हमारे साथ बने रहिए जब सवालों का वृतांत शुरू हो जाए। आप फार्मूले को याद कीजिए और इन बातों को याद करना। अब हम आपको ये बताने वाले हैं कि इस अध्याय से कितने तरह के सवाल निकलते हैं। यहाँ से कुल 8 तरह के सवाल निकलेंगे जो क्वेश्चनों का पूछना होगा कि हम यहाँ पर क्या क्या ज्ञात करें। फिर यहाँ से सवाल कई प्रकार के निकलेंगे, कम से कम 30-32 टॉपिक हम पढ़ेंगे इसमें लाभ हानि के अंतर्गत। तो यहाँ पर से जैसे हम आपको बताएं, लाभ हानि से कुल मिलाकर के 8 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। 8 प्रकार के प्रश्नों से ही सब कुछ होगा। लास्ट में सवाल हम कई तरह के पढ़ेंगे लेकिन इनका जो लिमिट होगा वो 8 प्रकार के ही क्वेश्चन लास्ट में पूछे जाएंगे, जिसका पहला नाम है लाभ ज्ञात करना। हम आपको लिखते चलते हैं, आप देखते रहिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लेना, देखेंगे बड़े ध्यान से। प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, लाभ हानि के अंतर्गत हमसे 8 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि 8 प्रकार के क्वेश्चन हम पढ़ेंगे और टॉपिक खत्म हो जाएगा। टाइप हमारे कई प्रकार के बनेंगे लेकिन इनका कई टॉपिक जब बनकर के आएंगे तो 8 चीजें हमारी लास्ट में निकलेंगी, उनमें से कोई एक प्रश्न पूछा जा सकता है लाभ हानि के अंतर्गत। जैसे पहले नंबर पर कह दिया जाए लाभ ज्ञात करना, दूसरे नंबर पर कह दिया जाए हानि ज्ञात करना, और तीसरे पर कह दिया जाएगा प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि ज्ञात करना, और चौथे में हमारा क्रम बनेगा किराया मूल्य ज्ञात करना। पांचवें पे हम देखेंगे यहां से निकल के आएगा विक्रय मूल्य ज्ञात करना, ठीक है। लाभ ज्ञात करना, हानि ज्ञात करना,
प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि ज्ञात करना, क्रय मूल्य ज्ञात करना, विक्रय मूल्य ज्ञात करना। अब यहाँ पर देखेंगे कभी कभी यहाँ पर हम देखेंगे जो ये प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि ज्ञात करना की ही आगे बढ़ा लेंगे हम। तीसरा नाम यहाँ दे देते हैं प्रतिशत लाभ ज्ञात करना, प्रतिशत लाभ ज्ञात करना। और चौथा हो जाएगा प्रतिशत हानि ज्ञात करना। ये अलग अलग होते हैं, पहले फिर इन्हें कंबाइंड किया जाता है, तो इसको हम नंबर दे देते हैं 1, 2, 3, 4, 5वां, और ये हो गया 6वां, और ये हो गया 7वां। देखिएगा, लाभ ज्ञात करना, हानि ज्ञात करना, प्रतिशत लाभ ज्ञात करना, प्रतिशत हानि ज्ञात करना, या प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि ज्ञात करना, क्रय मूल्य ज्ञात करना, विक्रय मूल्य ज्ञात करना। 7 टॉपिक यहाँ से निकलेंगे। 8वां निकलता है वस्तुओं की संख्या ज्ञात करना, वस्तुओं की संख्या ज्ञात करना। ये देखिए आप, यहाँ से हम लोग 8 तरह, यानी कि लाभ हानि का कोई भी क्वेश्चन चाहे जितना बड़ा टॉपिक इधर से घूम फिर के आए, इन 8 टॉपिकों में से कोई एक भी टॉपिक का लास्ट में नाम होगा, वो पूछा जाएगा। ठीक है, आप लोग इतना याद करिएगा, तैयार करके रहिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में आगे। ओके, थैंक यू।